हरियाणा हिसार के रहने वाले राधेश्याम के व्यक्ति की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका ट्रक अलवर की तरफ आया था। उस पर अलवर का रहने वाला आकाश नाम का युवक ड्राइवर है, ट्रक फाइनेंस पर है, वह उसकी एक किश्त ड्यू चल रही है। ऐसे में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने ट्रक को रोक कर अपने कब्जे में ले लिया, वह ड्राइवर को भगा दिया। ट्रक मालिक को जब इस बात का पता चला तो उसने मामले की सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर परेशान होकर ट्रक मालिक राधेश्याम बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, वह घटना से एसपी को अवगत कराया। ट्रक मालिक ने बताया कि ट्रक में स्क्रैप है। ठीक है, अच्छे से मैं रुकवा लिया था उन्होंने, तो फिर एक कार आई थी, उसमें 6 जन आए थे, मैं उसमें कार जीप में पटक दिया था और थप्पड़ पड़ दिए, कपड़े वपड़े फाड़ रखे मेरे कंडक्टर के दिए हैं, 45,000 रुपए जेब में रखे थे, जैसे चाबी वाबी खोसी पता नहीं पैसा गिरे हैं, उसने लिए हैं। क्या बोला वो आपसे? क्या लो ये बोले थे नो कि तेरी गाड़ी की पिस्ट टूटी पड़ी है, गाड़ी साइड में लगा ले। कुछ बताया कहाँ ले जा रहे हैं क्या? नहीं बताया तो उसने चाबी वाबी खोस लिया, थप्पड़ ओप्पड़ मार दे, मैं जीप में पटक दिया उन्होंने, फिर अलवर बाड़ा से बाहर छोड़ दिया था। एसपी मैडम से हम मिलने आए हैं क्योंकि हमारे ड्राइवर के गाड़ी लेके आ रहा था अहमदाबाद से अलवर, वो फाइनेंस वालों ने गाड़ी बता के मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम अंकल इसको चेक करके हम छोड़ देंगे। बाद में उन्होंने ड्राइवर को थप्पड़ मारे, ड्राइवर का फोन खोस लिया, ड्राइवर का फोन बंद करके अपने आप वो अपना ड्राइवर बिठा के गाड़ी को लेके इसको धक्का मुक्की करके और ड्राइवर को इसमें जीप में डाल लिया, जो कि ये एक अन्याय है। जो कि मेरी पूरी किस्तें एग्री हैं, मैंने एक 25,000 रुपये के लिए कोई ऐसी अब जो किस 4 तारीख को आई है, मैंने 2 तारीख को 35,000 रुपये पे किए, उन्होंने मेरे से मैंने रिटर्न में कहा, वो बोले कोई बात नहीं हम आपकी गाड़ी को ऐसा कोई भी काम नहीं होगा, जिससे हिंदुस्तान का ला है 3 किस्त से पहले कोई किसी गाड़ी को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ये हमारे एक ला है, ला RBI से भी ये बड़े हो गए गुंडा के। थाने में गए, थाने में शिकायत देने की बात हुई और थाने में क्या कहा गया? हम पहले था NIV, वो कौन सा थाना इनके पास है, वहाँ गए, उन्होंने कहा हमारा नहीं है, ये मालाखेड़ा थाने का है। हम रात को 10-11 बजे आया, मैं मालाखेड़ा में गया, उनको हमने लिखित दिया, उन्होंने अभी तक मुझे कोई जवाब, मुझे कहा कि सुबह हम आपको 9-10 बजे से पहले बुला लेंगे, अभी तक मुझे कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं इसीलिए SP साहिबा से मिलने आया हूँ, क्योंकि अगर ऐसे काम चलेगा तो ऐसे किसी कोई भी गाड़ी खरीद सकता है। हम अगर सरकार को इस हिसाब से नहीं बताएंगे, अफसरों को नहीं पता लगेगा तो कैसे आएगा? ये तो गुंडागर्दी है, किसी की गाड़ी कोई थप्पड़ मारे खोस ले। ट्रक है मेरा, ट्रक है 31/12 टायर की गाड़ी है, इसमें 25 टन स्क्रैप है, अगर उसमें स्क्रैप या कोई भी कम होता है तो वो जिम्मेवार होंगे जो कि गाड़ी पकड़ के लेके गए हैं। उन्होंने ड्राइवर को थप्पड़ मार के बाहर निकाल दिया है, बाहर सड़क पर छोड़ दिया है, ना गाड़ी पता, वो बाद में पता लगा गाड़ी वहाँ खड़ी है। जिस मेरा ड्राइवर, मेरा नाम राधेश्याम मलिक है, हरियाणा हिसार से हूँ और 12 ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर हरियाणा एडवाइजर भी हूं मैं।